हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं फिर आई हूँ आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। तो पिछला व्लॉग आपने देखा होगा, हल्दी का व्लॉग था। देन मैं घर आ गई थी, मैंने खाना भी घर पर ही खाया था। मैं वहाँ नहीं गई थी खाना खाने, क्योंकि बहुत दूर कर रखा था उन्होंने। तो इसीलिए जहाँ पे मतलब शादी थी वहीं पे उन्होंने दिन का खाना कर रखा था, तो मैं नहीं गई थी। मैंने घर पे ही खाया था, मम्मी ने बना दिया था दाल चावल। तो फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड्स मुझसे मिलने आई थी, एंड मैं मेरे कुछ रिलेटिव्स भी मिलने आए थे मुझसे, एंड मेरे बेटे से मिलने आए थे। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लिया। देन अब मैं उठ गई हूँ एंड मैंने लगा लिया नेल पेंट। तो अब रेडी होना है शादी के लिए। तो मैं पहले, ये देखिए इसके साथ उसके पापा खेल रहे हैं, तो पहले मैं इसको सुला लेती हूँ। अगर इसको नहीं सुलाऊंगी तो मैं अपना जो काम मेकअप वगैरह वो कैसे करूँगी। अभी सब तैयार हो रहे हैं, किसी को पकड़ा भी नहीं सकती। मेरे मम्मी पापा और को भी उस शादी में बुलाया, एंड हमारी गली में एक और शादी है वहाँ पे भी बुलाया। तो आधे वहाँ जा रहे हैं, आधे वहाँ जा रहे हैं, तो सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। बस मेरी सिस्टर नहीं जा रही है, बट अभी वो भी रेडी करने में बिजी है। मम्मी, ताई, चाची, इनको रेडी करने में बिजी है। तो मैं इसको अभी किसी को नहीं पकड़ा सकती, तो पहले मैं इसे सुला देती हूँ। देन तभी इसीलिए मैंने नेल पेंट पहले ही लगा दी थी, क्योंकि मुझे पता है फिर ये बाद में नहीं लगाने देगा। एंड ऐसे लगा के डायरेक्ट मैं नहीं जा सकती, फिर वो फैल जाती है तो गंदा लगता है। इसलिए मैंने नेल पेंट लगा लिया है एंड इसे सुला देती हूँ। देन उसके बाद मैं होंगी तैयार। ये है मेरा पहले मेकअप से पहले का लुक। अब मैं हो जाती हूँ इसको सुला के जल्दी जल्दी तैयार। तो मिलती हूँ आपसे तैयार होने के टाइम पे। तो ये है मेरा फाइनल लुक। सो गाइज, वी आर गोइंग। यही पास में है तो हम पैदल ही जा रहे हैं। ये मत सोचो हम पैदल जा रहे हैं पैसे बचाने के लिए। तो हमारा तो पास में ही है, 5 मिनट का रास्ता है। यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक, गली में लाइट नहीं है इनकी शायद, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा है। तो अभी रुक जाइए, उजाला आ गया। तो हम दोनों जा रहे हैं, पापा वगैरह भी हमारे आ रहे हैं पीछे से, हम आगे आ गए। तो मिलते हैं आपसे सीधा हॉल में। सो गाइज, हम ये वेन्यू में पहुंच चुके हैं। जो है ये कितना सुंदर सजा रखा है, देखिए। तो अंदर चलते हैं। हमारी ब्राइड के पास, तो मैं जा रही हूँ ब्राइड के पास। मिलाती हूँ ब्राइड से। लहंगा भी बहुत सुंदर लग रहा है, ये भी फोटो शूट हो रहा है उसका। ये कैमरामैन है उसके, ये कैमरामैन है उसकी सिस्टर है। ब्राइड की मम्मी एंड उसकी मामी है। चलिए आपको भी बारात दिखाते हैं। Thank you.
क्योंकि इनके रिश्तेदार ज्यादा है तो भीड़ बहुत ज्यादा है, हॉल पूरा भरा हुआ है। इधर मिल गए फाइनली दही बल्ले। तो गाइज हमने खाना खा लिया है दोनों ने एंड हम जा रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है जिसके पास है वो उसका फ़ोन आया था कि बेबी रो रहा होगा, तब इसका फ़ोन आया था, नहीं तो तब से फ़ोन नहीं आया था। एक बार एंडू से चुप करा रहे थे, देन हम फिर शादी में आएंगे और आपको ब्राइड की एंट्री दिखाएंगे, क्योंकि अभी एंट्री में टाइम है तो हम थोड़ी देर में आएंगे। लाइटिंग बड़ी अच्छी पड़ रही है फेस पे, तो चलते हैं अभी, तो मिलते हैं आपसे घर पर। तो गाइज ये देखो नंगे पाँव के हाथ में, मेरे पैर ना दुख रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैंने बोला चलो थोड़ा फिर पैदल का भी लिया जाए नंगे पाँव का। तो नंगे पाँव आप घर जा रहे हैं, रो रहा है, जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि इनमें जल्दी नहीं चला जा रहा है, पता चला गिर गई घर पहुँचने से पहले। ये सच है, नंगे पाँव जाओ। तो गाइस उसको चुप कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया था, उससे पूछा था ब्राइड एंट्री तो नहीं होगी। हम जब आए थे तब एंट्री में बहुत टाइम था, बट मेरा बेटा बहुत रो रहा था क्योंकि वो हमसे नाराज़ हो गया था, मैंने उसे दूध नहीं पिलाया, तो इसीलिए उसे थोड़ा लेट, मतलब थोड़ा लेट चुप हुआ, सोया तो नहीं है अभी, पापा घुमा रहे मेरे से। बट एंट्री हो चुकी है तो एंट्री हमने मिस कर दी उसकी, बट अभी जयमाला वगैरह नहीं हुई है, हम जयमाला के लिए पहुंच जाएंगे आई होप, बट हो गई होगी तो कोई नहीं, माइंड मत करना, मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। अगर किसी से मुझे क्लिप मिल जाती है तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। मिलते हैं हॉल में। गाइस जयमाला तो हो गई बट दूल्हा दुल्हन तो हम दिखा ही सकते हैं एक साथ, बट सुंदर लग रहा है दूर से, तो आप वीडियो दिखाई आपको अभी नहीं हुई जय वाला। देखो कितना केयरिंग मिला मिला है को, बढ़िया ऐसी होने चाहिए। तो अब हमारे ब्राइड एंड ग्रूम जो है वो डांस करेंगे, तो हम उन्हें आपको उनका डांस का वीडियो दिखाते हैं। लगा हुआ है ये है मंडप, यहाँ होंगे फेरे
बट हम फेरों तक नहीं रहेंगे, बट आपको जरूर हम फेरे दिखाएंगे। ये हो रहा फोटोशूट, हम भी खिंचवा के घर निकलते। हमने तो फोटो खिंचवा लिया, सबसे पहली फोटो हमने खिंचवाई है स्टेज पे आके। उसके मम्मी पापा तो अब आए हैं, अभी कुछ सामान निकाल रहे हैं पहले, देन वो फोटोज खिंचवाएंगे। तो देखो मम्मी पापा लगे हैं उसके काम पे। तो अब हम घर जा रहे हैं, उसके मम्मी पापा, ये ब्राइड ग्रूम। तो दूल्हे को प्यास लग गई, देखो पानी पी रहा है छुप छुप के। तो अब हम जा रहे हैं घर। तो गाइस ये हम खा रहे हैं पिज्ज़ा, ये हमने ट्राई नहीं किया था, तो अब हम पिज्ज़ा खा रहे हैं और घर जा रहे हैं। मेरा बेटा फिर रोने लग गया होगा पक्का, घर से फोन पे फोन आ रहे हैं। अब हम घर पहुंच चुके हैं एंड हम वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि अब छोटा बेबी है एंड रात को ये उठता रहता है, उठता है सोता है, उठता है सोता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली नहीं सोता है अभी तक। तो मेरी ताई की जो लड़की है, मेरी कजन सिस्टर है, वो संभाल रही थी, बट अब वो कितना संभालेगी। तो बार बार उसे भूख लगती है, तो मैं भी कितनी बार वहाँ से कितने चक्कर लगाऊंगी। तो इसीलिए मैं घर आ गई और मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने अपने एक फ्रेंड को व्लॉग शूट करने के लिए बोला है, अगर वो शूट कर देती है तो ठीक है, मैं आपको व्लॉग दिखाऊंगी, अगर नहीं दिखा पाई तो सॉरी, बीच बीच के जो सीन्स हम नहीं दिखा पाए उसके लिए सॉरी। छोटे बेबी के साथ होता है, आई नो आप लोग समझेंगे। एंड मैंने जितना हो सका उतना मैनेज करने की कोशिश की एंड आपको दिखाने की कोशिश की, तो आप लोग भी समझिएगा। छोटे बेबी के कारण मैं आपको फेरे वगैरह, अब वैसे भी कुछ नहीं बचा है क्योंकि अभी फ़ोटोशूट हो रहा था, उनका फ़ोटोशूट तो काफ़ी लंबा चलता है। फ़ोटोशूट के बाद वो खाएंगे खाना, देन उनके फेरे वगैरह, उनका सब कुछ हॉल में होना। तो मैं अपने बेबी को सुला देती हूँ एंड हम भी थोड़ा थोड़ा रेस्ट करते हैं, देन सुबह जाएंगे हम उसकी विदाई पे। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय गाइज, गुड नाइट, आप भी सो जाइए। चलो।